गरीब सोच अमीर इंसान नहीं पैदा करती मेरे भाई। क्या क्या करना है आपको जिससे आपकी मानसिकता अमीर हो जाए? अमीरों की तरह सोचने की आदत आपको अमीर बना सकती है, गरीबों की तरह सोचने की आदत आपको गरीब बना सकती है। जैसे नहाना आदत है, खाना खाना आदत है, चाय पीना आदत है, मंदिर जाना आदत है, सुबह सुबह वॉकिंग पे जाना आदत है, तो अच्छा सोचना भी एक आदत है। आपको क्या क्या करना है आज के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना, मैं कोई मुश्किल काम नहीं बताऊंगा। 2.5 लाख करोड़ अंबानी साहब ने जियो में लगा दिए। जियो आपके हाथ में आया 2017 में। अगर आपके हाथ में 2017 में आया तो हो सकता है मुकेश अंबानी साहब के दिमाग में ये 2007, 2008 या 2009-10 में भी आया हो। यानी हमारे घर में जब जियो कनेक्शन आया उसका प्लानिंग अंबानी साहब ने 8-10 साल पहले किया होगा, यानी 9 से 10 साल लगाए होंगे उसने। उस 10 साल में ऑप्टिकल साइबर समंदर के अंदर बिछाए होंगे उसने, टावर बनाए होंगे, सैटेलाइट छोड़े होंगे और गवर्नमेंट से सेटिंग की होगी। न जाने कितना कुछ किया होगा उसने, टाइम लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, कितने प्रयत्न किए होंगे। उस 10 साल में उसने जो कमाई की होगी वो होगी क्या? जीरो। और सब कुछ करने के बाद 2017 में जब प्रोडक्ट आपके हाथ में आया तो आपसे मांगा क्या? 150 रुपया महीने, बस यही मांग रहे हैं आपसे। अमीर आदमियों की यही आदत है, चाहे आप बात करें अंबानी, अदानी या फिर टाटा की, वो जो आपसे मांग रहे हैं, उसने जो दिया है उसके बदले में वो थोड़ा सा रुपया मांग रहे हैं। यही उनका उद्देश्य है, लोगों को ज़्यादा दो और उससे कम की अपेक्षा रखो। ये शुरुआत में 7 साल 8 साल या 10 साल कुछ नहीं कमाते, लेकिन ये 7 साल 8 साल या 10 साल में करोड़ों या अब्जों रुपया खर्च भी कर देते हैं। यानी ये पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रयत्न भी भरपूर कर रहे हैं और उसके बाद मांग रहे हैं आपसे थोड़ा सा पैसा, क्योंकि उसका फंडा बड़ा ही आसान है कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है, लेकिन 1 आदमी से 100 रुपया कमाना मुश्किल है। इसका फंडा बड़ा आसान है, बड़ा स्पष्ट है। अमीर लोगों का बड़ा ही आसान सा उद्देश्य है, ये कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि 5 साल के बाद इसमें से मुझे क्या रिटर्न आएंगे, 7 साल के बाद उसमें से क्या रिटर्न आएंगे, 10 साल के बाद इसमें से क्या रिटर्न आएंगे। लंबी दृष्टि बोलते हैं इसको। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास जो लोग हैं उनका उद्देश्य बिल्कुल विरुद्ध है। ऊपर से दोनों एक जैसे देखते हैं, वही दो पैर है, वही दो हाथ है, वही दो आँख है, सब यथावत है, लेकिन इनका उद्देश्य बड़ा ही आसान है। आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी, मजदूरी क्या मिलेगी, 10 दिन अगर काम नहीं होता तो ये लौट के घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि ये कहते हैं हमने तो 10 दिन लगा दिए कुछ हुआ नहीं, हमने तो 3-4 महीने लगा दिए कुछ हुआ नहीं, हमने सर 6 महीने लगा दिए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। गरीब लोग का साधारण सा उद्देश्य है और वो अमीर लोगों से बिल्कुल उलट है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग टाइम खर्च नहीं करना चाहते, लंबे समय के इनके टाइम बस इतना ही है कि 5 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा लगवा दो हमें और इसके बदले में जो मिलता है वो हमें दे दो। ये टाइम खर्च करना नहीं चाहते, ये प्रयास मेहनत और बिना पैसे के लंबे टाइम के लिए श्रम करना नहीं चाहते, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल भी, ना टाइम ना प्रयास और ना पैसे। पैसे लगाते वक्त तो इनको 115 डिग्री बुखार सा आ जाता है, ऐसा खर्च करते समय इसको बुखार आता है जबरदस्त। यानी इनको पैसा लगाने में भी दिक्कत है, टाइम लगाने में भी दिक्कत है, प्रयास करने में भी दिक्कत है, लेकिन अमीर बनना चाहते हैं। गरीब सोच अमीर आदमी नहीं पैदा करती। जैसे सिक्के की 2 पहलू होती है, हर चीज़ की 2 पहलू होती है, अमीरी और गरीबी की सोच भी 1 पहलू ही है। हर आदमी की मानसिकता अलग अलग होती है कि अमीर या गरीब हो सकती है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। नेगेटिव मानसिकता वाला आदमी कभी कुछ कर नहीं सकता और पॉजिटिव मानसिकता वाले आदमी को कोई कुछ करने से रोक नहीं सकता। गरीब मानसिकता वाला आदमी कभी अमीर नहीं बनता और अमीर मानसिकता वाला आदमी आखिर में अमीर बन ही जाता है। पैसे के बारे में जो अमीर लोग की सोच होती है वो गरीब लोग की नहीं होती लाले। गरीब और मिडिल क्लास आदमी को बचपन से ही यही सीख मिलती है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो और आखिर में वो वही करते हैं। परंतु अमीर लोगों को ये नहीं सिखाया जाता, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है पर नौकरी की सलाह नहीं दी जाती, इसीलिए उनका भविष्य गरीब और मिडिल क्लास लोगों से बिल्कुल अलग होता है। लाले हमारे चैनल पे ऐसे फाइनेंशियल वीडियो चलते ही रहते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लल्लू लाल तो हो नहीं, आपको पसंद आ गया होगा तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे।